हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम भिंडी बनाने चल रहे हैं। भिंडी को हम नए तरीके से बनाएंगे। तो ये भिंडी हमने धुल के सुखवा लिया था, इसका पानी सूख गया है। अब इसको हम कट कर ले रहे हैं। तो ये हम ऐसे पीस में लंबे लंबे कट कर रहे हैं ताकि पता भी इसमें चल जाए, कीड़े तो नहीं हैं। तो ये भिंडी हमारी सारी कट हो रही है। ये भिंडी हम सभी काट लिए हैं। अब इसको हम तेल में पहले फ्राई करेंगे। ये तेल हमारा गरम है इधर। फ्राई करने से जो है आधी भिंडी पक जाती है, तो भिंडी हमारी बहुत जल्दी बनेगी। ये भिंडी हमारी क्या कहते हैं, फ्राई हो गई है। देख लीजिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। भिंडी हमारी फ्राई हो गई, तो इसको हम बनाने चल रहे हैं। तो तेल सरसों का हम डाल रहे हैं। तेल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि भिंडी पहले से ही फ्राई है। ये एक छोटा चम्मच आप देख लीजिए, हम पचफोरन डाल रहे हैं इसमें। इससे भिंडी का स्वाद बढ़ जाता है। ये हम इसमें हम प्याज भूज रहे हैं, प्याज को डाल दे रहे हैं। ये प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, तो हमको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, हरी मिर्च। ये टमाटर हमारा पक गया है, आधा पूरा नहीं पका है। अब इसमें भिंडी भी हम डाल देंगे। इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं अभी। इसको हम नमक डाल के ढक दे रहे हैं धीमी आंच में, थोड़ा सा हमारा पक जाए। चम्मच हम पचफोरन मसाला लिए, इसको भूंज रहे हैं। भूंजने के बाद इसको हम पीस लेंगे, ऊपर से डालेंगे, इससे स्वाद और बढ़ेगा हमारा। ये भिंडी हमारी पक गई है, तो इसमें हम अब लहसुन डाल रहे हैं, एक चम्मच दरबरा कुटा हुआ। इसमें छोटा चम्मच हल्दी डाल रहे हैं हम। एक चम्मच हम सब्जी मसाला डाल रहे हैं इसमें। ये जो हम पचफोरन पीसा हुआ लिए, इसको डाल रहे हैं। अब इसको थोड़ी देर अभी हमें और पकाना है। ये हमारी भिंडी बन के रेडी हो गई है, एकदम नए तरीके से, एकदम अलग, बहुत ही टेस्टी। ऊपर से हम हरा धनिया डाल रहे हैं इसमें, इसका और स्वाद बढ़ जाएगा। इसको हम प्लेट में अब ट्रांसफ़र करेंगे। आप देख सकते हैं ये भिंडी हमारी कितनी ही टेस्टी बनी होगी और बहुत ही सुंदर देखने में लग रही है। ये आप फ्रिज में रख सकते हैं 2-4 दिन के लिए। ये ख़राब नहीं होती क्योंकि तेल में फ्राई है। ये हमारी भिंडी बनके रेडी है, ये एकदम अलग तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनी है। ये तरीका अगर आप लोग को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।